मास्टर तारा सिंह जी के विचारां ते उन्हां दी शख्सियत नूं दुनिया भर विच फैलाउण दे उद्देश नाल पोटोहार एसोसीएशन लंडन वल्लों मास्टर तारा सिंह मैमोरियल लैक्चर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिस विच चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी ते साबका राज्यसभा मैंबर सरदार तलोचन सिंह समेत दुनिया के वख-वख हिस्सों तों आए विद्वान शिरकत कर रहे हैं। लंडन पहुंचन ते पोटोहार एसोसीएशन दे सरदार चंचल सिंह चौधरी, सरदार पुष्पिंदर सिंह खंडपुर प्रधान पोटोहार एसोसीएशन वालों बनवर्ट रैली विखे सरदार जगजीत सिंह दर्दी ते सरदार तलोचन सिंह दा भरवां स्वागत किया गया। मास्टर तारा सिंह जी का जीवन समुचे तौर ते इतिहासिक अजिही पेशगी वजो उभर के सामने आया है, जिसकी मिसाल तत्कालीन सिख इतिहास चो नहीं मिलती। पेश है एक खास रिपोर्ट। 24 जून 1885 नूं रावलपिंडी दे पिंड विच जन्मे मास्टर तारा सिंह दा ओहदा सिख इतिहास विच बहुत वड्डा है, जिस दे नानक चंद तों तारा सिंह बनन दा आधार संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआना साहिब वालियां दे संपर्क विच आउण ते प्रबल होया, जिस दे आधार ते उन्हां दी शख्सियत इक पंथ प्रस्त सिख दे रूप विच रूपमान होया। मास्टर तारा सिंह ने अखबारी परचा सच दा टिंडोरा कड्या। मास्टर तारा सिंह अकाली दल दे प्रधान भी रहे। मास्टर तारा सिंह ने भारत के कब्जे हेठले पंजाब का नक्शा उलीकिया। मास्टर तारा सिंह का योगदान आजादी तो पहला बाद विच समय दे वहा अनुसार नहीं बदलिया, सगो 1947 तो बाद सिखां नूं जराइम पेशा कौम का खिताब दिते जान ते मोर्चा बिड़ दिता। मास्टर तारा सिंह जी का जीवन समुचे तौर ते इतिहास की एक अहिजी पेशगी वजो उभर के आया, जिसकी मिसाल तत्कालीन सिख इतिहास चो नहीं मिलती। लंडन विखे पोटोहार एसोसिएशन लंडन वालों मास्टर तारा सिंह मेमोरियल लैक्चर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिस विच पंजाब तो भी कई प्रसिद्ध शख्सियतों नूं सद्दा दिता गया, जिस विच चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी ते साबका राज्यसभा मैंबर सरदार तरलोचन सिंह दे नाम भी खास तौर ते शामिल ने। चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी लंडन पहुंचे, जिथे सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी का एसोसिएशन वालों ब्रंटवर्ट वैली विखे विशेष तौर पर स्वागत और सम्मान भी किया गया। जिक्रयोग है कि मास्टर तारा सिंह मेमोरियल लैक्चर सम्मेलन एक महान सम्मेलन के रूप में करवाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट इंग्लैंड के नाल विश्व के होरना देशों में भी लजाया जाएगा, जिसका मकसद पूरे विश्व में मास्टर तारा सिंह की सोच तो जानू करवाना है। इस दौरान सरदार जगजीत सिंह दर्दी ते सरदार तरलोचन सिंह ने एसोसिएशन वालों उन्होंने सम्मेलन विच बुलाउण ते खुशी जाहिर करदिआं उन्हां दा धन्नवाद किया। सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने कहा कि पोटोहार भाईचारे नाल उन्हां दी सांझ दहाकियां पुरानी है, उन्हां पंजाब लई पोटोहार भाईचारे दी देन ते चानना पाया। उन्हां कहा कि मास्टर तारा सिंह दी शख्सियत बेदाग सी, जिसने जिथे भाईचारे नूं बरकरार रख्या उथे ही सिख धर्म दे उच्चे अकीदिआं दी ता उमर पालना कीती। पोटोहार एसोसिएशन लंडन मैं तो जिंदगी विच इतनी खुशी हुई है, और मैं जो चंचल जी तो सुनिया गल्ला तो बड़ी हैरानी भरी खुशी हुई कि कोई पोटोहार की गल करने वाला हैगा, क्योंकि मैं भी पोटोहार का पुत्र हाँ और कहूटा सेंटर से उदों हूँ तो दुनिया की बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि उत्थे पाकिस्तान ने एटम बम बनाया है, और पोटोहार बारे मैं बड़ी स्टडी की है। मैं तकरीबन 55 साल का पीरियड पोटोहार की मेरी जे मैं रिसर्च कह लवा ना तो अखी देखियां परसनैलिटीज़ दिया मैं इंटरव्यूज़ लिया, और उन्हां नाल मैनू अपनी जिंदगी का काफ़ी कीमती समा बिताने का भी मौका मिलिया। मैं प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के जिन्हें भी होए ने पिछले 25 साल सरदार तरलोचन सिंह जी को पता है, मैं सारी दुनिया में उन्हां नाल जांदा रहा, लेकिन मैं जिथे भी जांदा रहा मैं कोई ना कोई पोटोहारी मैं लभ लैंदा सी। उत्थे एक और बड़ी खुशी महसूस करदा कि पोटोहारियां ने जिथे खालसा पंथ की जिहड़ी पुनर्जागृति हुई ट्रांसफॉर्मेशन हुई, क्योंकि सिखां की गिनती शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तो बाद जिहड़ी सेंसस है 1890 की उहदे च 15 लख के करीब है सिख कौम की गिनती जिहड़ी अज 2.5-3 करोड़ है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पोटोहार तो शुरू हुई, और पोटोहारियों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हिंदुस्तान को 2 प्राइम मिनिस्टर दिते डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई के गुजराल फौजा के जरनैल दिते, और फिर सरदार तरलोचन सिंह वर्गे दानेश्वर बंदे दिते। तुसी अगर देखो ये 100 साल के इतिहास उत्ते नज़र मारो तो सरदार तरलोचन सिंह वर्गा कोई सिख पार्लीमेंटेरियन नहीं मिलेगा।
जिस ने हिंदुस्तान दे इस इतिहास विच आज़ादी तो बाद इतना कम किया होए, इतना नाम पैदा किया होए, हर फील्ड दे विच, सिख सियासत विच, सिख विद्वाना दे मंडल विच, और इंटलैक्चुअल नहीं, पार्लीमेंटरी पार्लीमेंटेरियन च नहीं, सारी कौम च, अगर किसी बंदे ने इस सदी विच 100 साल विच एक कम करके दिखाया ना, वह त्रिलोचन सिंह, वह भी पटवारी साढ़े। और मैं ये भी खुशी है, मेरे रिस्पेक्टेड फादर 1951-52 तो सरदार त्रिलोचन सिंह नाल इकट्ठे इन्होंने जेलां कटियां, इकट्ठे इन्होंने मारां खादियां, इकट्ठे इन्होंने कुर्बानियां कीतियां। और जो मेरे पिता जी गुजरे 1976, इन्होंने जो मेरी सपोर्ट की, ये अखबार मेरी जिहड़ी है, ये जो अज तरक्की की अखबार ने, 50 साल मैनू लगातार हो गए ने चढ़दी कला अखबार नू, और पिछले 10 साल तो मैं ये टीवी चैनल चला रहा हूँ। ये टीवी चैनल पंजाबी दे विच मोस्ट रिस्पेक्टेड नंबर 1 चैनल है, और 30 करोड़ के करीब का हिंदुस्तान विच टीवी सैटा उत्ते अवेलेबल है, और सारी दुनिया विच लोग देखते हैं। और टीवी चैनल च मैं जिन्हें भी नवियां, मतलब कि पिरतां पाईयां, नवियां पैणां पाईयां, ये मैनू गाइड करते रहे। उहदा कारण एक सी कि मैं 50 साल दिल्ली विच कम किया, और सरदार त्रिलोचन सिंह ने जदों मैनू इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी पहली बार देखा, बड़े हैरान होए। तो जदों मैं प्राइम मिनिस्टर नाल बाहर जाता सी, एयरपोर्ट पर होंदे सन, और रिसीव करन भी जाते सन, सी एफ करन भी जाते सन, जदों कोई देश चों प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता सी, ये मैं देखने ते हैरान होन कि ये दर्दी कित्थे पहुँचा। फिर मैं जदों प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया गया, मैं 1995 तो पार्लीमेंट बैठता, मैं प्रेस दियां साड़ियां सीटां जिहड़ियां होंदियां ने प्रेस गैलरी विच, आई हैव सीट इन लोक सभा राज सभा प्रेस गैलरी, सेंट्रल हाल च मैं 20 साल तो बैठता रहा, असी इकट्ठी बैठते रहे जो मैंबर पार्लीमेंट भी सन, और मैं इन्हों तो बड़ा कुछ सीखा है। मैनू सब तो बड़ी खुशी है कि सरदार अपने चंचल होर ने मैनू तो इन्हों दोनों इत्थे बुलाया, और मैं अपनी खुशी अपने शब्दों नाल मतलब दस नहीं सकता, लेकिन एक गल मैं जरूर दस सकता कि कल जदों तुसी ये सम्मेलन कर रहे हो, मास्टर तारा सिंह मेमोरियल लैक्चर, ये रिजल्ट आने, क्योंकि मैं जदों तो टीवी चलाया, मैं मास्टर जी की शख्सियत बारे सारी कौम नूं दस्या, और इन दिनों विच जो सरदार त्रिलोचन सिंह काम किया पार्लीमेंट विच, मास्टर जी की तस्वीर लवाई, मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबा लै के दिता, उस तो बाद किसी ने 1 इंच जमीन भी लै के दी पंजाब नूं। क्या बात है जी, मास्टर तारा सिंह की दयानतदारी, उन्हां दी नीति, उन्हां दी विधवता, उन्हां दी दूरदेशी, और क्या कमाल का काम चंचल जी तुसी कीता है। मेरा मतलब सारी कौम इस तो प्रेरणा भी लेगी, उत्साह भी लेगी, कल जदों इत्थे तुसी करोगे मैं पूरा प्रोग्राम सारी दुनिया के लोगों को दिखावांगा, और मेरा विश्वास है कि हर सिख नूं देखेगा, साडी कौम का हर दानिश्वर सिख तुहाडे कल वाले प्रोग्राम नूं देखेगा, और बड़े नतीजे निकलणगे, और कौम दे विच जागृति आएगी, मास्टर तारा सिंह वास्ते सत्कार पैदा होएगा, और कई मास्टर तारा सिंह निकलणगे जिहड़ा तुसी हुण काम करन लगे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, वाहिगुरू जी का खालसा। इस मौके साबका संसद मेंबर सरदार त्रिलोचन सिंह ने मास्टर तारा सिंह नूं पंथ दी अजीम शख्सियत दस्या। बिरादरी वाले सारिया ने, चौधरी साहब ने उत्थे आके मैं दिल्ली दस्या कि जिहड़ा टॉपिक तुसी चुनिया है ये बहुत जरूरी है, कि जिहड़ा आई थिंक वी आर फॉरगेटिंग, वी आर डूइंग दिस नॉट बिकॉज ये कोई सारा रीजनलिज्म है, या बिकॉज वी आर डूइंग फॉर ए परसन फ्रॉम अवर ओन रीजन, ये भारत सरकार का जिहड़ा आई थिंक कर्ज है टूवर्ड दैट परसनैलिटी, असी उहदे लई कोशिश करेंगे भारत सरकार वो कर्ज उतारे। बहुत वड्डी गल है कि मास्टर तारा सिंह जी बारे तुसी ये सैमीनार कर रहे हो, क्योंकि साड़ी एक जिहड़ी आम सिखां च एक घाट है कि हिस्टारीकल ईवेंट्स एंड हिस्टारीकल जिहड़े साडे उहनूं असी भुल ही जांदे आ, वो याद ही नहीं रहिंदे लोगों को, खास करके न्यू जनरेशन इज़ नॉट अवेयर। ये लोग तो भी भुल गए कि इंडिया पार्टीशन होया, थोड़े चिर बाद भी नहीं लगना कि पाकिस्तान कित्थे है तो असी कित्थे हैं। ये गल्लां सिर्फ साड़ी याद च ही कि एक दो मुल्क सी, असी वंडे गए, लखां लोग मरे, करोड़ां दी माइग्रेशन हुई। सो बड़ी वड्डी गल है, अगर तुहाडी बड़ी हिम्मत है
कि लंडन च आके, क्योंकि लंडन जिहड़ा ना शहर ये साड़ी हिंदुस्तान की हिस्ट्री सारी इत्थों ही आरंभ होंदी और सारा आर्काइव इत्थे ही पिया। मेरे वाले इन्ना कुछ हिंदुस्तान की हिस्ट्री च पिया है तो तुहाडी हिम्मत है कि तुसीं इहनू उजागर कर रहे हो एंड दैट टू इन द लैंड ऑफ ब्रिटिशर्स जिन्होंने सारा कारा किया। सो बहुत अच्छा लग्या, वाहिगुरू करे तुहाडी सारयां दी हिम्मत ये चलती रहे। बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस रीजन चो आए हो रीजन बहुत वड्डा, बड़ी कंट्रीब्यूशन है। गुरु करे तुसी सारे जिन्ने बैठे हो, लेट अस ऑल साडी सारयां दी जिहड़ी कोशिश और दर्दी, साडा भरा छोटा आया इत्थे, बहुत वड्डी ये चैनल है जी जिहड़ी इस वेले इंटरनेशनल लैवल ते अखबार कढ़दा, बड़ी हिम्मत नाल सैल्फ मेड मैन हू इज़ डूइंग एन ऑल द वे ही हैज़ कम टू हैल्प यू, बड़ी वड्डी गल है ये आया। तो बहुत अच्छा लग्या, बहुत चंगा। लेट अस सारे एक अरदास करिए, पंजाब वसदा रहे, पंजाब सुखी रहे, झगड़े खत्म होण ते सारी दुनिया जमन रहे। इस मौके सरदार चंचल सिंह चौधरी, सरदार पुष्पिंदर सिंह खटपुर प्रधान पोठिहार एसोसिएशन, मैडम जसविंदर कौर दर्दी अते होर विद्वान मौजूद सन। अज सानू बड़ी खुशी है कि असी इत्थे इकट्ठे होए हां, एक खास शख्सियत जेड़े असी हिंदुस्तान तो इनवाइट किया, उन्होंने इत्थे बुलाया, वो आए ने साडे कहन ते, और साडी खुश नसीबी है कि साडे विच ने बड़े विद्वान पहुंचे हुए सियासतदान ते बड़े काबिल इंसान ने, सरदार त्रिलोचन सिंह जी जिहड़े मनाटी कमीशन के चेयरमैन भी रहे ने, इंडिया च मैंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे ने, और बड़ी पंथ की सेवा भी करते हैं और बड़ा नॉलेज रखते हैं। सानू उन्होंने काफ़ी गल्ला अज भी दस के काफ़ी कुछ एनलाइटन किया। उदा के इलावा साढ़े विच इंडिया तो ही चढ़दी कला टी वी वाले मिस्टर एंड मिसिज दर्दी ते उन्हां दे नाल क्रू वो भी आए हुए ने, ते असी उन्हां दा भी स्वागत करने आ। कल जिहड़ा साडा फंक्शन उत्थे मेफेयर होटल विच हो रहा, मास्टर तारा सिंह लैक्चर, यह साडा इनैगुरल लैक्चर है, ते वो पहली वारी असी मास्टर तारा सिंह दे जीवन दे उत्ते उत्थे काफ़ी कुछ रोशनी पावांगे पावांगे। सरदार त्रिलोचन सिंह जी सानू उत्ते इनलाइटन करनगे। मैं बड़ी खुशी है कि अज सानू इत्थे मिसिज जसबीर वोरा जी साडे पास्ट प्रेजिडेंट जिहड़े ने, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके सारे नू इकट्ठा किया, सानू खवाया पियाया, खुश किया, रजाया, ते असी उन्हां दा बड़ा धन्नवाद करदे हां, दिलों धन्नवाद करदे हां। ते पठवार बरादरी वालों, असी पठवार एसोसीएशन वालों सारे दा धन्नवाद करदे हां कि तुसी आए हो। थैंक यू पुष्पिंदर एंड दर्दी साहब एंड पापा त्रिलोचन सिंह जी। जिहड़ा होल प्रोजेक्ट है साडे वास्ते मास्टर तारा सिंह इज़ बीन लाइक ए तीर्थ यात्रा फॉर अस, नथिंग लैस दैन दैट। ते एवरी थिंग जो असी कीती है विद रेवरेंस कीती है। एक एक पेज अगर तुसी ब्रोशर दा कल देखोगे तो इज़ फुल ऑफ रेफरेंस। ए प्रोजेक्ट जिहड़ा बनिया है, आई एम होपिंग कि ए विद इंटेंशन हैगा कि ए पोर्टेबल है, पोर्टेबल इन ए सेंस कि असी सेम प्रोजेक्ट असी दूसरे मुल्कों भी ले जा सकते हैं जिथे साढ़े लोग वसदे हैं, कैनेडा है, अमेरिका है, आस्ट्रेलिया है, यूरोप है। और मैं उम्मीद करदा कि जेडे इन्वॉल्व हैं वो साढ़े नाल जुटे रहेंगे और साडा साथ देंगे कि जेडी मैसेज हैगा एक मास्टर जी का जिन्हों का पूरा जीवन सिखी दे नाल भरिया होया है। उन्होंने हर चीज़ जो अपनी जिंदगी की है वो अकॉर्डिंग टू सिख डॉक्ट्राइन की है। वो पॉलिटिशियन सन लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छड़िया, जेल विच भी रहे हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें है जो सामने आंदियां हैं। असी इसनू चाहते हैं कि इसनू इसे पोर्टेबल बनाया जाए और इंटरनेशनल किया जाए। मिसिज वोरा काफ़ी रिसोर्सिसफुल है, इन्हों इंटरनेशनल का काफ़ी एक्सपोजर हैगा, कैनेडा अमेरिका वगैरह आम जाते रहते हैं, तो ईस्ट अफ्रीका सारी जगह। तो आई होप कि जिस तरह सपोर्ट करते हैं सानू नाल करन, ते साडे इंटरनेशनल अंबैसडर दी तौर ते
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੋਠੋਹਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।